दोस्तों अज असी इकट्ठे हुए हैं जिहड़ा कि तुसी सारे जानते हो राजा नासर साहब ने टूर्नामेंट अरेंज किया सी अपने मकूम दोस्त राजा फारस साहब की याद में। यह फ्री एंट्री टूर्नामेंट होया सी अपने इस लंदन का और शौक को फरोग देने वास्ते एक बहुत जबरदस्त किस्म का कदम उठाया भाई साढ़े ने और असी सारे इन्हां दे नाल हाँ अलहमदुलिल्लाह। सारे दोस्त जिहड़े भरा ने असी इन्हां दे भी दिल की अदा गहराइया तो मशहूर हाँ इन्हें अपने कीमती वक्त चो सू टाइम दिता तकरीबे तकसीमे ने बाद का शुरू होने ली है तो वास्ते मैं भाई दानिश को माइक देंगा उसका दानिश जड़े ने एक ऐसा ही तुम जनाब डील करेंगे और सारा दसेंगे सारे वेलकम कहते हैं दिल की गहराइया तो ता बहुत शुक्रिया अपना कीमती टाइम कड़ के साथ आए तो अच असी इनाम तकसीम करा तो एक बार सारे दिल खोल के जरा दो हथा आप च घुट के रख दो ताड़ियां मार दो भाई जी। अच्छा ऐसा असी देंगे जी बेस्ट स्पोर्ट्समैन का इनाम जरा वो मिलेगा मलिक सरफराज को तो मलिक सरफराज महल पाकिस्तान गए ने वो अज आए नहीं है उन्होंने इनाम रिसीव करने वास्ते मैं दावत देंगा स्टेज के उत्ते इमरान को। स्टेज के उत्ते दावत देंगा शाह साहब न और राजा मोहसिन साहब ताड़ियां मारते रहो बोले ताड़ियां
और हामद साहब नाल जरा स्टेज ते फिर बुलावांगा थोड़ा ही ना कोई हलचल कोई तेरा नु तसल्ली मेनू कोई नहीं शेर आ वास्ते शेर दो चार शेर ही बोल जाना आगे जी अस्सलाम वालेकुम जनाब ते एक बार फिर तुम्हारी खिदमत हाजिर होया मेनू शेर आंदे ते कोई नहीं लेकिन महिला सरां दे इसरार ते इन्हें वास्ते एक शेर पढ़ना क्योंकि जो का मैं इस यूके च आया तकरीबन मैं 2019 पेरिस शोक मुंसलिक होया कि 18 च तो इन्हों की चलते शोक करते रहे और इन्हों की जी शोक वास्ते तगो दो जदोजहद है उन्होंने सराहने असं बड़े और हमेशा एक नडर किस्म का खिलाड़ी है माशाला और इन्हों का एक वाकया मैं तुम्हें सुनाना कि पिछले साल नहीं इस साल बच्चे उठे सन तो नहीं भाई मुनसिफ है तो बच्चा जो 45 मिनट के अंदर शो से सामने आ गया लेकिन थोड़ा जहा नीवा आया है इन्हों की जिस हटिया बच्चा उन्हें आख्या कि बच्चा ठीक आया भाई नासर ने आख्या मैं टाइम नहीं लैना बिल्कुल किसी सूरत नहीं टाइम लैना जिते मैं एक कतरा भी कोई लग्या खराबी तो एकड़ी सारे मैं भरावान रिक्वेस्ट कराँगा कि शौक का अगर हुसन बढ़ाना चाहते हो तो फिर तुम इस तरह मजबूत होना चाहिए और अच्छा शौक करो तो राजे नासर साहब वास्ते एक शेर है अल्लाह जिसे चाहे उसे मिलती है मुजफ्फर अल्लाह जिसे चाहे उसे मिलती है मुजफ्फर इज्जत को दुकानों से खरीदा नहीं जाता तो बहुत शुक्रिया जनाब जी थर्ड पोजीशन वास्ते ठीक है मैं स्टेज पे दावत देंगे मलिक जान सेब साहब की स्टेज पे आना अपना नाम रिसीव करन इनाम देन वास्ते मैं सईद की बुलावांगा और राजा नईम की स्टेज पे दावत देंगे नबी साहब की नबी साहब सही थे आओ जी आई एम जस्ट सिंह सही था ए सेकंड पोजीशन अजाज साहब की स्टेज पे आना अपना आके नाम रिसीव करन जरा खुल के ताड़ियां मारो जी ढोल ढोलिए फर्स्ट पोजीशन विकास साहब विकास साहब ते नहीं इत्थे आए ने उन्हां दा इनाम रिसीव करन वास्ते हामद भाई स्टेज ते आन उन्हां दा आके इनाम रिसीव करन ते इनाम देन वास्ते मैं दावत देंगा स्टेज ते चौधरी अवैस खुरम साहब की और रवि साहब की दावत देंगा यूके की एक बड़ी मशहूर हस्ती जिन्हें कि यूके च कबूतरबाजी वास्ते बहुत सारा काम किया है टूर्नामेंट नू आल यूके च ऑर्गेनाइज कराने वास्ते बेहतरीन किस्म की उन्होंने परफॉर्मेंस और उन्होंने खिदमात हैं तुम सारे उन्होंने नाँ तो वाकफ हो तो उन्होंने वास्ते एक शेर मैं पढ़ाँगा कि हम ना बदलेंगे वक्त की रफ्तार के साथ कि हम ना बदलेंगे वक्त की रफ्तार के साथ जब भी मिलेंगे अंदाज पुराना होगा जनाब इन्हां नूं उस्ताद राजे नासिर साहब की तरफों बेस्ट पिजन आल यूके टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर का अवार्ड है इन्हां वास्ते एक ट्रॉफी तो मैं जनाब उस्ताद दानिश साहब और उस्ताद जानजेब साहब रिक्वेस्ट करूंगा गुरम साहब के नाल
रवि साहब साढ़े बड़े प्यारे दोस्त है, इन्हों का भी गुरम साहब के नाल समझो कि बिल्कुल जिस तरह गुरम साहब इन्होंने नाल नाल बिल्कुल ये भी दिन रात दिख करके इन्हें भी मेहनत की है, जो भी टूर्नामेंट हो नाल नाल ही रहे हैं, तो उन्होंने वास्ते भी स्पैशल ताड़िया की मैं रिक्वेस्ट करा अपनी महाराज जी। बिलकुल जनाब शौक हवाले गल बात असी करनी सी, उस पहले जनाब असी नासर साहब ने मशकूर ममनून इन्होंने शुक्रिया अदा करने के इन्ह सानू इन्नी रिस्पैक्ट दी इतना इनवाइट किया, तो इन्हें साड़ी हौसला अफजाई लिए सानू यह कप दिता। तो मैं समझना आ कि इस कप ने असली इकदार जरा उस्ताद नासर साहब न जिन्हें कि माशाला पाकिस्तान के आल पंजाब कश्मीर के पी के एक बहुत व्डा टूरनामेंट ऑर्गनाइज किया जिसने काफ़ी बड़िया तो काफ़ी मुश्किल आई जनाब डटे रहे, तो इतने भी माशाल्लाह हर साहब 5-7 साल तू बहुत अच्छा शौक करा रहे, तो आप भी खूब डा रहे तो शौक ही प्रमोट कर रहे। तो रवि साहब माशाल्लाह अपना कीमती टाइम काट के दूर दराज इलाकों में माशाल्लाह शौक ही प्रमोट करने ते फरोग देने ते जिथे भी लोड़ पे साढ़े शाना बशाना जनाब खड़े रहे। तो मैं समझना आ कि यह शील जनाब इन्होंने हक आना की देना चाहिए, जनाब रणवीर साहब साढ़े अजीज न जिथे सू लौड़ पी जिथे असी बुलाया तो राजा और साढ़े नाल नाल रहे, तो राज साहब इन्हें ही यह शील दियो जनाब ये ट्रॉफी जी टोल अपने कप का दान कर दें। जुलाई दी तीसरे वीक सत्तवें महीने के तीसरे वीक टूर्नामेंट उम्मीद है कि सारे भरा जनाब तावन करोगे ते शौक वास्ते बेहतरी होगी। बाकी सारे भरावां एरिया ईस्ट लंडन ओनली सिर्फ ईस्ट लंडन एक फिर तो सी 17 तारीख बनती है जुलाई मतलब है जुलाई की तीसरी इतवार दूसरी इतवार राजा साहब 10 तारीख मेरा तीसरी इतवार सिर्फ ईस्ट लंडन ही चलता उस जब से देखा है आपकी हसी आंखों को यकीन कीजिए सारा जमाना ही अब हसी लगता है। मत आइए और करीब, मत आइए मेरे और करीब,
अपने आप से अब मुझे डर लगता है। सलाम मुस्कुराते रहिए। मेहरबानी है पर साडा कोई बड़ा एफर्ट नहीं हुंदा ही ते नाल ही चलदे आ सारा करदा तां भरा ही है मोरे ते पर फिर भी थैंक यू इन्हां दा बहुत बहुत जिहड़ा सानू इन इज्जत मान दिंदे आ ते नासर साहब तुहाडा भी बहुत थैंक यू जी साडा मठियाई नहीं खिलाई शगिरदी पैना सी करना नहीं वैसे अज शगिरदी का फंक्शन होना चाहिए भाई नहीं लेट कर छोड़े अमर भाई अमित भाई मलिक साहब जी सही भाई सही भाई एक मिनट रुक जा बैठे खाली फोटो ले खिंचवा ਜੁਗਨੀ ਦੀ